भैया जी जरा सोचिए, अचानक पूरी दुनिया से नमक गायब हो जाए तो क्या होगा? आपके मोमोज और नूडल्स के तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सचमुच बिना नमक के इन भोजनों के स्वाद की कल्पना करना भी मुश्किल है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े समुद्र में से हमारे खाने लायक नमक कैसे बनाया जाता है? क्या सच में नमक बनाना सिर्फ समुद्र के पानी को भाप में उड़ा देने जैसी आसान प्रक्रिया है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे भोजन में जान डाल देने वाला नमक समुद्र के पानी से कैसे बनता है। आपको इस वीडियो में नमक बनाने की शुरुआत से लेकर अंत तक सारी प्रोसेस बताने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले अपने सब्सक्राइबर को थैंक यू कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यह टॉपिक सजेस्ट किया। अगर आपके पास भी कोई ऐसा फेवरेट टॉपिक है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। हम जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमें पता है, नमक को समुद्र के पानी से बनाया जाता है। इसका कारण है समुद्र के पानी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला खारा नमक। पर आपको यह बात पता नहीं होगा कि सारे नमक बनाने की फैक्ट्री समुद्र के पास नहीं होते। सबसे पहले नमक बनाने वाली फैक्ट्री समुद्र के पानी को बड़े बड़े टैंकरों में भरकर लाती है, जिन्हें बाद में खाली बड़े जमीन पर ऐसे चौकोर आकार बनाकर उसमें पानी भर देती है। आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि अगर नमक बनाने में समुद्र के पानी की इतनी ही जरूरत होती है तो इसे समुद्र के बाजू में ही क्यों नहीं बनाया जाता? दोस्तों, इसका कारण है कि समुद्र में समय समय पर ज्वार भाटा आते रहते हैं, जिससे इनकी महीनों की मेहनत एक बार में ही बर्बाद होकर समुद्र में मिल जाएगी। एक बार जब समुद्र के खारे पानी को इन चौकोर आकृतियों में भर दिया जाता है, फिर इसे इवेपोरेशन प्रोसेस के लिए छोड़ दिया जाता है। आपके लिए मैं बता दूं कि इवेपोरेशन प्रोसेस उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें किसी भी पदार्थ में से पानी को भाप बनाकर उड़ा दिया जाता है, जो इस जगह पर नमक को समुद्र के पानी से अलग करने के लिए किया जा रहा है। सामान्य मौसम के हिसाब से समुद्र का पानी सूरज की भाप से ही इवेपोरेट हो जाता है। इसे नेचुरल इवेपोरेशन कहते हैं। पर इस प्रोसेस के दौरान आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि जिस समय बारिश का मौसम होता है उस समय कैसे समुद्र के खारे पानी को भाप बनाया जाता है। दोस्तों, इसके लिए वैक्यूम इवेपोरेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें समुद्र के खारे पानी को एक बड़े से वैक्यूम चैम्बर में डाल दिया जाता है। इस चैम्बर में पानी डालने के बाद इस चैम्बर की सारी हवा खींच ली जाती है और फिर इसे नॉर्मल हीट देकर पानी को उबाला जाता है। इस तरह से आर्टिफिशियल नमक भी तैयार किया जाता है। लेकिन सामान्य मौसम में प्राकृतिक रूप से ही पूरी तरह से समुद्र का पानी सूखने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 हफ्तों का समय लगता है। पर यह चीज़ मौसम पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि अगर मौसम नम रहा तो इसके लिए 1 महीने भी लग सकते हैं। एक बार पूरी तरह से समुद्र का पानी भाप बन जाता है तो सिर्फ बचता है शुद्ध सफ़ेद नमक। पर आप यह सोचने की गलती मत कीजिएगा कि यह नमक इस्तेमाल में अभी लाया जा सकता है, क्योंकि इसे इस्तेमाल में लाना तो दूर, इसे अभी चखा भी नहीं जा सकता। अभी इस नमक को प्यूरीफाई करने के लिए फैक्ट्री की तरफ ले जाया जाता है। प्यूरीफायर में ले जाने के बाद सबसे पहले नमक को बड़े बड़े ग्राइंडिंग मशीन में पीसा जाता है, ताकि इसके जो बड़े बड़े नमक के टुकड़े हैं वो छोटे छोटे आकार में बंट जाए। लगभग 1 घंटे के करीब पीसने के बाद इन्हें आगे भेजा जाता है, जहाँ पर इनके ऊपर पानी की धार छोड़ी जाती है। पानी की धार छोड़ने का बहुत प्रमुख कारण होता है, इससे जो नमक के अंदर छोटे छोटे पत्थर रह गए हैं वह सब निकल जाते हैं। एक बार इम्प्यूरिटीज निकलने के बाद काफ़ी हद तक नमक इस्तेमाल में लाने के लायक हो जाता है, पर अभी भी इस पर बहुत काम बाकी है। तेज़ी से पानी की धार देने से नमक पूरी तरीके से गीला हो जाता है, जिसके बाद इसे आगे पानी अलग करने की प्रक्रिया में भेजा जाता है। अब आगे इस नमक को सेंट्रीफ्यूगल यूनिट में भेजा जाता है। यहाँ पर नमक और पानी को अलग करने का काम किया जाएगा। इस मशीन में जाने के बाद नमक और पानी को पूरी तरीके से एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है और आखिरी में बस बचता है हमारे पास सूखा नमक। दोस्तों, इसके बाद आखिरी और सबसे ज़्यादा जरूरी स्टेप आता है, जो है इसमें केमिकल को ऐड करना। दोस्तों, कोई भी नमक हमारे लिए प्राकृतिक रूप से इस्तेमाल लायक नहीं बनता, उसमें कुछ चीज़ें मिलाकर इसको हमारे इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है। तो आखिरी स्टेप में एक बड़े से कंटेनर में सूखे नमक को डाला जाता है, जिसमें फिर आयोडीन और अलग अलग नमक के प्रकार के हिसाब से कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं। 90% से ज़्यादा नमक में आयोडीन ही डाला जाता है, जो कि हमारे सेहत के लिए अच्छी होती है। एक बार आयोडीन डालने के बाद इसे 1 हफ्ते के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि यह अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ब्लेंडिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इसे आखिरी में पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। पैकिंग हो जाने के बाद इस नमक को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर दिया जाता है, जो समय समय के बाद रिटेलर्स को दे दिया जाएगा।
तो दोस्तों कुछ इस तरह से समुद्र का खारा पानी हमारे खाने लायक नमक में बदल जाता है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके एक व्यक्ति के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। अब आपके स्क्रीन पर दो वीडियो और दिख रही होगी, दोनों वीडियो बहुत अच्छी है, वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को जरूर देख लीजिएगा।